हेलो ब्रिवन, आज हम टू पोर्ट नेटवर्क डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है, यहाँ से कन्फर्म है भाई, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बहुत ही इजी टॉपिक है। और वन बाय वन हम देखेंगे इसके अंदर कैसे कैसे आपके टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और आपने आराम से इसको समझते जाना है। करेक्ट हुई इतनी बात? तो सबसे पहले मैं पोर्ट का मीनिंग आपको बता दूँ। पोर्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट? लिख लीजिए, अ पेयर ऑफ टर्मिनल, अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स थ्रू विच करंट करंट में एंटर और लीव द नेटवर्क इज नॉन एज पोर्ट। क्लियर पॉइंट? जैसे कि मेरे पास ये एक नेटवर्क है, ये मेरे पास कोई नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर जिस टर्मिनल के थ्रू करंट एंटर करेगा और जिस टर्मिनल के थ्रू लीव करेगा, इस पूरे को बोलेंगे पोर्ट। ये क्या मेरे पास भाई? पोर्ट। करेक्ट हुई इतनी बात? जैसे मेरे पास रेजिस्टेंस हो गए, ये जो रेजिस्टेंस है भाई, इसके अंदर भी देखिए एक साइड से करंट जाएगा, एक तरफ से करंट मेरा बाहर आएगा। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस हो गया मेरा, जो इंडक्टर हो गया मेरा और जो कैपेसिटर हो गया मेरा, ये सभी क्या है भाई? बोलिए भाई, वन पोर्ट नेटवर्क है। करेक्ट हुई इतनी बात? ये जो आपके पास नेटवर्क यहाँ पे है, नेटवर्क ये जो है दिखाया हुआ है ना मैंने, इसके अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर कुछ भी रहा होगा, क्लियर। लेकिन नेटवर्क की ये एक प्रॉपर्टी होती है, जितना करंट, मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पियर करंट अगर इसमें एंटर किया तो 5 एम्पियर करंट ही मेरा बाहर निकलेगा। क्लियर है पॉइंट? ये चीज़ आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो आपका नेटवर्क होगा, ये आपका एक्टिव लीनियर, क्लियर, एक्टिव लीनियर और बाई डायरेक्शनल एलिमेंट का बना होगा, बाई डायरेक्शनल। पिछले हमने लेक्चर में बताया था एक्टिव एलिमेंट कैसे देखते हैं, क्लियर, आपका पैसिव एलिमेंट क्या होता है। करेक्ट हुई इतनी बात? ये सारे पॉइंट हम आप ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, क्लियर है। अब देखिए, ये जो मेरा टू पोर्ट नेटवर्क है, अब ये तो मेरा एक पोर्ट था, लेकिन टू पोर्ट नेटवर्क की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पास भाई टू पोर्ट नेटवर्क होगा। क्लियर है पॉइंट? तो आपका ये जो नेटवर्क होगा, ये कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर होगा, क्लियर। ये मेरे पास भाई टू पोर्ट नेटवर्क है, ये पोर्ट नंबर वन है और यहाँ पे मेरे पास पोर्ट नंबर टू है, दैट इज पोर्ट नंबर टू। क्लियर है पॉइंट? एक तरफ इसका इनपुट होगा, एक तरफ क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन है किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क की, यहाँ पे वोल्टेज V1 के साथ हम इसके लिखते हैं, ये करंट I1 होता है और यहाँ पे जो वोल्टेज होती है दैट इज V2 और यहाँ पे करंट कितना जाता है भाई? I2। क्लियर है पॉइंट? तो नेटवर्क में जितना ही करंट जाएगा उतना ही वापस आएगा। इस तरफ I1 गया तो वापस भी कितना आएगा? I1। इस तरफ I2 गया और इस तरफ से कितना जाएगा? I2 ही जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ये मेरे पास किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो टू पोर्ट नेटवर्क का, ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है मेरी यही रहेगी। करेक्ट हुई इतनी बात? तो इसको अच्छे से याद रख लेना भाई। इसका मतलब टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर आपके पास 4 वेरिएबल होंगे, V1, I1, V2, I2। क्लियर है पॉइंट? और ये 4 क्वांटिटी आपके पास गिवन होगी, जहाँ आपके पास कुछ पैरामीटर निकालने को आते हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, ये आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क है, क्लियर। टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है, एक तरफ पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ मुझे आउटपुट मिलती है, या मैं इस तरफ इसको इनपुट अप्लाई कर दूंगा, इस तरफ मुझे क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात? तो टू पोर्ट नेटवर्क की एग्जाम्पल क्या है भाई? आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफार्मर के केस में भी यही होता है ना, एक तरफ से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, दूसरी तरफ मुझे क्या मिल जाती है? आउटपुट मिल जाती है। करेक्ट हुई इतनी बात? तो ये था आपका बेसिक टू पोर्ट नेटवर्क। आगे इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर कैलकुलेट करने को आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम जो पैरामीटर पढ़ने वाले हैं, जेड पैरामीटर, इसी को ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं, बाई पैरामीटर, इसको एडमिटेंस पैरामीटर बोल देते हैं, क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे एच पैरामीटर, फिर हम इसमें देखने वाले हैं जी पैरामीटर, फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं भाई टी पैरामीटर, क्लियर। एक इन्वर्स टी भी होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वन बाय वन हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या
होता है, क्लियर है पॉइंट। तो अब देखते हैं भाई जेड पैरामीटर आपके क्या होते हैं। तो लिखिए जेड पैरामीटर स्लैश इंपीडेंस पैरामीटर और ओपन सर्किट पैरामीटर, करेक्ट हुई इतनी बात। तो लिखिए जेड पैरामीटर या इसी को बोल देते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर या इसी को बोल देते हैं भाई आपका इंपीडेंस, इंपीडेंस पैरामीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन रहेगा रहेगा, तो बस एक को समझ लीजिए बाकी आपके सेम रहेंगे, करेक्ट हुई इतनी बात। अब देखिए मेरे पास ये कोई भी नेटवर्क होगा, ये कोई भी मेरे पास नेटवर्क होगा और एक तरफ मेरी इनपुट होगी, यहाँ पे बी वन है और यहाँ पे कितना जाएगा आई वन, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे कितना है बी टू और यहाँ पे करंट मेरा क्या जाएगा आई टू जाएगा, करेक्ट हुई इतनी बात। जेड पैरामीटर के लिए एक चीज़ याद रखनी है, आपने बी वन आई वन कैलकुलेट करना है B1 V2 कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ I1 एंड I2, क्लियर। हर एक पैरामीटर के अंदर बस ये चीज़ आपने याद रखनी है किसको किसकी फॉर्म में लिखना है, करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरे पास इसकी जो नोटेशन रहेगी राजे, दैट इज इक्वल टू B1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, B2 किसके इक्वल होगा Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसी भी पैरामीटर की, करेक्ट हो इतनी बात। भाई ये चीज़ आपकी बदलेंगी, ये चीज़ बदलेंगी, क्लियर। जेड पैरामीटर B1 B2 इन टर्म ऑफ I1 एंड I2, क्लियर। अगर इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें इसको, इन मैट्रिक्स फॉर्म क्वेश्चन देखेंगे भाई कैसे कैसे इसके अंदर बनेंगे, बस वो चीज़ आपने याद रखनी है, क्लियर। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा Z11 Z12 Z21 Z22, क्लियर। तो यहाँ पे कितना रहेगा I1 I2, क्लियर। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं राजे आपके Z पैरामीटर, क्लियर। तो यहाँ से Z पैरामीटर क्या आएंगे, Z पैरामीटर Z11 Z12 Z21 Z22, क्लियर है पॉइंट। बस इस चीज़ को याद रखना है, इसमें कैलकुलेशन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्लियर। आप जब क्वेश्चन देखेंगे बस KVL और KCL लगाना है, और दूसरी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस भी पैरामीटर को आप निकाल रहे हैं उसको किसको किसकी फॉर्म में लिखना है, बस ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Z पैरामीटर के लिए V1 V2 इन टर्म ऑफ I1 I2, क्लियर है पॉइंट। इसका मतलब हम ये ऐसे बोल सकते हैं, वोल्टेज को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z into I, क्लियर है पॉइंट। या सिंपली वी कैन से V1 V2, इसको हम जेड से डिनोट कर देंगे I1 I2, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा भाई आपके जेड पैरामीटर के लिए, क्लियर है पॉइंट। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आगे और इंपीडेंस ड्राइव करूं, इंडिविजुअल अगर इंपीडेंस मुझे निकालनी हो तो उस केस में क्या करेंगे, क्लियर। केस नंबर वन, व्हेन पोर्ट टू इज ओपन सर्किट, अगर मेरा पोर्ट टू अगर मैं इसको ओपन सर्किट कर दूं, ओपन सर्किट करने का मतलब क्या है, यहां पे मेरे पास कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं है, अगर यहां पे चीज कोई भी कनेक्टेड नहीं है तो आई टू मेरा क्या हो जाएगा राजे, जीरो हो जाएगा, आई टू बिकम्स जीरो। अगर आई टू जीरो हो जाएगा, इस इक्वेशन में आप पुट करिए, आई टू मेरा जीरो हो गया, क्लियर। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, पुट इन इक्वेशन ए, क्लियर। तो इसका मतलब बी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z11 I1, और ये आई टू तो क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे Z11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 डिवाइड बाई I1, कब है जी, जब आई टू मेरा क्या है जीरो, आई टू जीरो कब है, जब मेरा पोर्ट टू क्या हो जाएगा भाई ओपन सर्किट। जब भी Z11 की बात करूं, उसी साइड का वोल्टेज है, उसी साइड का क्या करंट है, इसको बोलेंगे ड्राइविंग पॉइंट, क्लियर। अगर B2 बटा I2 भी होगा उसको भी हम क्या नाम देंगे, ड्राइविंग पॉइंट, करेक्ट हो इतनी बात। तो उसी साइड का वोल्टेज, उसी साइड का करंट हो, मींस पैरामीटर अगर सेम साइड के हो उसको बोलेंगे ड्राइविंग पॉइंट, अगर वोल्टेज बटा करंट है मींस इंपीडेंस है, क्लियर है पॉइंट। इसका मतलब ये, इसको अगर मैं नाम दूं तो नाम क्या देंगे बोलो, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस है, लेकिन किस साइड का है,
पोर्ट वन का है या इनपुट साइड का है, क्योंकि वो इनपुट साइड रहती है, ये मेरे पास क्या रहती है आउटपुट, और कब है जब मेरे पास क्या है दूसरी साइड ओपन सर्किट है, तो इसका नाम हो जाएगा ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट वोल्टेज बटे करंट है, मींस इंपीडेंस है, इंपीडेंस। क्लियर है पॉइंट? इसका मतलब Z11 के जो आपके यूनिट होंगे दैट इज ओम होंगे। क्लियर है वही पॉइंट? तो बस प्रोसीजर याद रखिए कि जब मैं पोर्ट 2 को ओपन कर दूंगा तो उस केस में I2 जीरो हो जाएगा, Z1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी V1 डिवाइड बाई I1 ओनली व्हेन I2 बिकम जीरो, उस केस में आपका Z11 निकलेगा। क्लियर? अब सिमिलरली बी पॉइंट पे भी I2 है, इसको जीरो करो तो Z21 किसके इक्वल हो जाएगा B2 डिवाइड बाई V1। आगे पूरा लिखना, केस नंबर 2 व्हेन पोर्ट टू तो आपको वो हो गया ना, ये लिखो पोर्ट इन बी, जब बी में आप पुट करोगे तो Z21 किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई, B2 डिवाइड बाई I1 कब है जब I2 मेरा क्या है भाई जीरो। क्लियर? वोल्टेज वटा करंट तो इंपीडेंस तो है, का ओपन सर्किट इंपीडेंस है क्योंकि I2 मेरा जीरो है, लेकिन कौन सी B2 आगे वाला, B2 इसका है, I1 मेरा इसका है, आगे वाला मींस फॉरवर्ड, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, B2 मेरा आगे है क्योंकि पोर्ट 1 पे देख रहा था ना मैं, B2 आगे है I1 मेरा पीछे है, इसका मतलब फॉरवर्ड। इसको क्या लिखेंगे, ओपन सर्किट फॉरवर्ड इंपीडेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। करेक्ट हुई इतनी बात? तो अब केस नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। केस नंबर 2, व्हेन पोर्ट 1 इज ओपन सर्किट, अगर पोर्ट 1 ओपन सर्किट हो जाएगा इसका मतलब I1 मेरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इसी को मैं पुट ए करूंगा, तो ए इक्वेशन में पुट करिए, I1 वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, Z12 किसके इक्वल हो जाएगा B1 डिवाइड बाई I2, तो यहां पे आ जाएगा Z12 इंटू I2। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे Z12 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी V1 डिवाइड बाई I2, कब, जब I1 की वैल्यू क्या है मेरी जीरो। क्लियर है भाई पॉइंट? अब मैं पोर्ट 2 पे रुका हुआ था, पोर्ट 2 के अकॉर्डिंग ऊपर कौन सी आ रही है वोल्टेज, पहले की डिवाइड बाई कितनी आ रही है दूसरे की। क्लियर? तो इसके यूनिट भी भाई ओम रहेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। जब भी मेरे पास वोल्टेज एक पोर्ट की हो और करंट दूसरे पोर्ट का हो उस केस में हम ऑलवेज टर्म यूज करेंगे ट्रांसफर। करेक्ट हुई इतनी बात? तो पोर्ट 1 पे थे, पोर्ट 1 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे B1 डिवाइड बाई I2 आ गया और I1 जब मेरे पास क्या है जीरो। करेक्ट हुई इतनी बात? तो जे मेरे पास Z12 हो गया, इसके बाद हम बी इक्वेशन पे इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा Z22, ये तो जीरो हो जाएगी ना टर्म, पुट करके देखना तो B2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा I2, कब, जब मेरे पास I1 क्या है जीरो। क्लियर? तो भाई दोनों सेम साइड का करंट और वोल्टेज है, इसका मतलब क्या होगा, इसका नाम ड्राइविंग पॉइंट, लेकिन कौन सा होगा, ओपन सर्किट, बिकॉज I1 जीरो है, ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट, और किस साइड है भाई आउटपुट साइड है, ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। करेक्ट हुई इतनी बात? तो ये था भाई मेरे पास जेड पैरामीटर। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन आपके पास गिवन है, अगर इसको मैं नेटवर्क की फॉर्म में क्लासीफाई करूंगा तो कैसे कर सकते हैं भाई, ये वोल्टेज है I into Z भी वोल्टेज होती है, ये भी मेरे पास क्या है वोल्टेज है, और ये भी वोल्टेज है, और ये भी मेरे पास क्या भाई वोल्टेज है। करेक्ट हुई इतनी बात? लेकिन पोर्ट 1 की जो वोल्टेज V1 है ये उसी साइड का करंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पोर्ट 1 की जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है I2 पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये जो टर्म होगी मेरी वो डिपेंडेंट सोर्स के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं B2 की बात करूँ, B2 के अंदर उसी साइड का करंट है इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन V2 की वोल्टेज पहले पोर्ट के करंट पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो वोल्टेज लेकिन वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है करंट पे, इसका मतलब ये क्या भाई करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करेक्ट हुई इतनी बात? ये मेरे पास क्या होगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्लियर? तो देखें फिर आगे क्या होगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए भाई। ये देखिए मेरे पास पोर्ट 1 है, ये भी मेरे पास पोर्ट
वन है, सॉरी टू है, ये पोर्ट वन। यहाँ पे वोल्टेज मेरी कितनी है वी वन, यहाँ पे करंट कितना है आई वन, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है बी टू, यहाँ पे करंट कितना है भाई आई टू। क्लियर, इस नेटवर्क को हमने दिखाना है बेसिकली, यही कहना चाहते हैं। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लैक बॉक्स के साथ दिखा दिया ना, एक्चुअली इस नेटवर्क के अंदर क्या रहा होगा वो चीज़ हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे भाई क्या वोल्टेज है, वोल्टेज सीरीज में क्या होती है ऐड, इसका मतलब दोनों जे क्या लगेंगे सीरीज में। क्लियर है भाई पॉइंट, तो यहाँ पे मैं बना दूंगा जेड वन वन, आगे मेरे पास आएगा डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स क्यों आया भाई जल्दी से बताइए, बिकॉज ये देखिए पहली टर्म तो मेरी जेड वन वन इंटू आई वन, जेड वन वन हो जाएगा ना, आई वन इंटू जेड वन वन जे वाली टर्म आ गई, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास आई टू करंट अवेलेबल नहीं था ना, तो आई टू करंट तो मेरा कौन सा है भाई पोर्ट टू का। क्लियर, तो इसको दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा डिपेंडेंट सोर्स, बिकॉज पोर्ट वन की वोल्टेज डिपेंड कर रही है पोर्ट टू के करंट के ऊपर। करेक्ट हुई इतनी बात, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस माइनस जेड वन टू इंटू आई टू। क्लियर है भाई पॉइंट, अब नेक्स्ट आगे यहां पे भी क्या है आपकी वोल्टेज है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जल्दी से बताइए भाई, जेड टू टू, तो आपका सिंपल जैसे ये लिखा है वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें करंट कितना जा रहा है आई टू, और उसकी वोल्टेज है जो पोर्ट टू की वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है भाई पोर्ट वन के करंट के ऊपर। क्लियर है पॉइंट, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस माइनस वैल्यू कितनी है जेड टू वन इंटू आई वन। क्लियर है पॉइंट, जो आपने नेटवर्क जिसको दिखाया था वो जे नेटवर्क था आपका, जो एन जिसको आपने दिखाया था ना, इसका मतलब जे आपका वो नेटवर्क था, एक्चुअली में ये सारे पैरामीटर आपके रहे होंगे। करेक्ट हुई इतनी बार, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर जेड पैरामीटर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्लियर, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी आएगी, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली आपने एक चीज याद रखना है वी वन बी टू इन टर्म ऑफ आई वन एंड आई टू। करेक्ट हुई इतनी बात, जे कैसे जेड पैरामीटर निकलेंगे, हम जस्ट वी वन और बी टू को निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ आई वन आई टू, उसको कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा जेड पैरामीटर आ जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात, अब नेक्स्ट लिखिए भाई वाई पैरामीटर, जल्दी से लिखिए वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर बोलते हैं इसको, और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं, और एडमिटेंस पैरामीटर, और क्या बोलेंगे एडमिटेंस पैरामीटर। तो ये मेरे पास है बाई पैरामीटर, ये है शॉर्ट सर्किट, और क्या बोलेंगे इसको एडमिटेंस, एडमिटेंस पैरामीटर। क्लियर, तो इस केस में आपने आई वन आई टू निकालना है इन टर्म्स ऑफ बी वन एंड बी टू। क्लियर, तो इसका मतलब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, आई वन इक्वल टू वाई वन वन वी वन प्लस वाई वन टू वी टू, आई टू किसके इक्वल हो जाएगा वाई टू वन वी वन वाई टू टू, बोलो जी क्या होगा बी टू होगा। क्लियर, अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी वाई वन वन वाई वन टू वाई टू वन वाई टू टू। अब थोड़ा सा स्पीड के साथ करेंगे भाई, क्योंकि एक पैरामीटर आपको समझ में आ गया है, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई वन आई टू दैट इज इक्वल टू वाई पैरामीटर इंटू वी वन बी टू। क्लियर है पॉइंट, वेयर वाई पैरामीटर किसके इक्वल हो गए भाई, दैट इज इक्वल टू वाई वन वन वाई वन टू वाई टू वन वाई टू टू, ये मेरे पास क्या हो जाएंगे एडमिटेंस पैरामीटर। करेक्ट हुई इतनी बार, यहां तक समझ में आया होगा। अब केस नंबर वन लिखिए, व्हेन पोर्ट, अब देखिए मुझे इन दोनों को जीरो करना है, क्योंकि जे पैरामीटर मुझे निकालनी है ना, तो या तो वोल्टेज वी वन जीरो होगी या वी टू होगी। वोल्टेज जीरो कब करेंगे, जब शॉर्ट सर्किट करेंगे, इसका मतलब पोर्ट व्हेन पोर्ट टू इज शॉर्ट सर्किट, जैसे ही इसको मैं शॉर्ट सर्किट करूंगा ये क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, मतलब बी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी जीरो हो जाएगी। पुट इन ए, इसको ए रखिए, ये मेरा क्या है बी है। करेक्ट हुई इतनी बात, तो जल्दी से बताइए क्या होगा, बी टू तो जीरो हो गया, वाई वन वन की वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल आ जाएगी भाई आई वन डिवाइड बाई बी वन, कब, जब बी टू मेरा क्या है जीरो। ये भी क्या होगा भाई, सेम पोर्ट का वोल्टेज और करंट है, ड्राइविंग पॉइंट क्या है
करंट बटा वोल्टेज मीन्स एडमिटेंस है, मीन्स 1/Z होता है ना एडमिटेंस, क्लियर। कब है? जब वोल्टेज जीरो है। वोल्टेज जीरो कब होगी? शॉर्ट सर्किट। और किस साइड का है? इनपुट साइड का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट, सॉरी इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, सॉरी एडमिटेंस, एडमिटेंस। तो भाई इसके यूनिट क्या होती है? मोहो, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो MHO और सीमन, ये आपके इसके यूनिट होते हैं, क्लियर। ओम का अपोजिट हम लिख देते हैं, क्लियर है पॉइंट। जैसे पहले जेड पैरामीटर थे वो सभी के ओम रहे होंगे, यहाँ पे सभी के क्या रहेंगे? मोह रहेंगे, क्लियर है भाई पॉइंट। अब जब मैं इसको बी पॉइंट में पुट करूंगा, पुट इन पॉइंट बी, तो बी में बी टू तो जीरो हो गया, यहाँ से क्या निकलेगा? वाई टू वन दैट इज इक्वल टू आई टू डिवाइड बाई, जल्दी से बताओ भाई, बी वन, और यहाँ पे क्या आएगा नीचे? बी टू जब मेरा था जीरो, क्लियर। अब आई टू ऊपर है, वी वन मेरा नीचे है, मीन्स फॉरवर्ड, क्लियर, बड़ा डिवाइड बाई छोटा, ठीक है, मीन्स फॉरवर्ड, करेक्ट हुई इतनी बार। इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, जल्दी से बताओ भाई, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, बोलो बोलो जल्दी से, एडमिटेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर, एडमिटेंस। ट्रांसफर हमने क्यों वर्ड यूज किया? पहले भी बताया था, बिकॉज एक पोर्ट का वोल्टेज है, दूसरे पोर्ट का क्या? करंट है, क्लियर। इसीलिए हम टर्म यूज करेंगे ट्रांसफर। फॉरवर्ड कब आएगा? जब ऊपर सेकंड पोर्ट हो, नीचे फर्स्ट पोर्ट हो, क्लियर है पॉइंट। अब सेकंड केस हम देखते हैं, केस नंबर टू, व्हेन पोर्ट वन इज शॉर्ट सर्किट। जब पोर्ट वन मेरा शॉर्ट सर्किट होगा, उस केस में वी वन मेरा क्या हो जाएगा राजी? वी वन इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये चीज ओपन रहेगी, ये मेरे पास शॉर्ट हो जाएगी, करेक्ट हुई इतनी बात। तो मेरे पास V1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। तो V1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? जीरो। पुट इन A, तो पुट इन A जब हम करेंगे V1 जीरो, तो यहां से क्या निकलेगा? Y12, Y12 इक्वल टू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? I1 डिवाइड बाय B2। कब? जब B1 मेरे पास क्या है? जीरो। अब फर्स्ट पोर्ट ऊपर है, सेकेंड पोर्ट नीचे है, मीन्स बैकवर्ड, रिवर्स, बिकॉज जो सेकंड पोर्ट है वो नीचे है, यहाँ पे सेकंड पोर्ट क्या था? ऊपर, तो फॉरवर्ड, क्लियर है पॉइंट। और क्या होगा? एक पोर्ट का करंट है, एक की वोल्टेज है, इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसफर, करेक्ट हुई इतनी बात। और क्या होगी? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, हाँ जी, रिवर्स ट्रांसफर, एडमिटेंस, करेक्ट हुई इतनी बात। और सभी के यूनिट भाई मोर रहेंगे, क्लियर है भाई पॉइंट। सभी के यूनिट आपके मोर रहने वाले हैं, क्लियर है भाई पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे पुट करिए भाई, वी वन जीरो, तो यहां से क्या आएगा? वाई टू टू, वाई टू टू दैट इज इक्वल टू आई टू डिवाइड बाई बी टू। कब? जब वी वन मेरा क्या है? जीरो। उसी पोर्ट का करंट, उसी पोर्ट की वोल्टेज, मीन ड्राइविंग पॉइंट कौन सी? शॉर्ट सर्किट। किस साइड? आउटपुट साइड। तो शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस कौन सी? आउटपुट। शॉर्ट सर्किट आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, इसके यूनिट भी क्या रहेंगे राजी? मोह रहेंगे, क्लियर है भाई पॉइंट। अब आगे इसका वही नेटवर्क की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब ये करंट है, करंट कब ऐड होगा? ये दो करंट ऐड हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये भी करंट होगा, ये भी करंट होगा। करंट कहाँ पे ऐड होंगे जल्दी से बताओ भाई? करंट हमारे ऐड होंगे भाई पैरेलल में। वोल्टेज कब ऐड होती है? सीरीज में, बिल्कुल बेसिक है। तो सबसे पहले दो पोर्ट बना लेते हैं मेरे, ये मेरे पास पोर्ट वन है, यहाँ पे वोल्टेज वी वन है, करंट कितना जा रहा है? आई वन। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे वोल्टेज वी टू है, करंट कितना जा रहा है? आई टू जा रहा है, क्लियर है भाई पॉइंट। अब ये जो आई वन करंट है, ये इसका प्लस इसका सम होगा, क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, उसी पोर्ट की वोल्टेज है, रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन पोर्ट वन का करंट किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? बी टू के साथ। इसका मतलब ये जो टर्म होगी, इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे जल्दी से बताओ भाई? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ, सॉरी करंट सोर्स है, लेकिन वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, मींस वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो पूरी टर्म करंट ही है ना, क्योंकि करंट दो पार्ट में जुड़ रहा है, क्लियर। सिमिलरली आई टू करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? पोर्ट वन की वोल्टेज पे। इसका मतलब इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको किसके साथ करेंगे? डिपेंडेंट
करंट सोर्स के साथ। क्लियर है भाई पॉइंट? तो अब देखिए भाई, मेरे पास पहली टर्म क्या हो जाएगी, दो करंट है ना, इसको ऐसे ही जोड़ देंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई वन वन। अब दूसरा करंट पैरेलल में दिखाना है भाई, लेकिन उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई, डिपेंडेंट करंट सोर्स के साथ। अब इस करंट को दो पार्ट में ऐड करना है, इसका मतलब करंट ऐसे जाएगा और इसमें ऐसे जाएगा, ऐसे जाने का मतलब इसका एरो कहाँ पे रखा जाएगा, नीचे को रखा जाएगा। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी होगी, वाई वन टू बी टू, करेक्ट हुई इतनी बात। अब इस साइड का भी देख लेते हैं भाई, इसको दिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसी पोर्ट की वोल्टेज है, दैट इज वाई टू टू। अगला मेरा किसके साथ दिखाया जाएगा भाई, डिपेंडेंट करंट सोर्स के साथ। क्लियर? लेकिन कौन सा करंट सोर्स होगा जी भाई, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसकी वैल्यू कितनी होगी, वाई टू वन इंटू वी वन, करेक्ट हुई इतनी बात। आप इसमें केसीएल अप्लाई करके देख लेना भाई, ये जो करंट होगा इसकी वैल्यू वोल्टेज में सेम है ना, ठीक है। तो जो आपका करंट क्या होता है, जो वोल्टेज मेरे पास होती है करंट इंटू जेड, यही होती है ना भाई, क्लियर। और जो जेड क्या होता है, वन बटा वाई होता है, क्लियर। जब इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो आई इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, सॉरी वाई इंटू बोलो 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 वोल्टेज, क्लियर। अगर इसमें हम बात करेंगे तो आई मेरे पास बी वाई जेड रहता है, क्लियर है भाई पॉइंट। तो एडमिटेंस के साथ वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज सेम हो जाएगी, इसका करंट कैसे निकलेगा, वाई वी इंटू एडमिटेंस, करेक्ट हुई इतनी बात। अगर इम्पीडेंस होती तो डिवाइड करते, अगर एडमिटेंस है तो मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। और दूसरा करंट सोर्स आपको ये गिवन ही है, क्लियर। जब केसीएल अप्लाई करोगे तो आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर। ये दोनों इक्वेशन ही आपके पास बनेगी, करेक्ट हुई इतनी बात। अब थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जेड एंड वाई पैरामीटर। ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्लियर। अब मुझे एक चीज बताइए, अभी आपने देखा था जो वोल्टेज है आपकी, दैट इज इक्वल टू जेड इन टू आई, यही देखा था ना, क्लियर। जहां सिंपली अभी मैट्रिक्स फॉर्म में मैं नहीं जाता, हमें ये पता है वोल्टेज इक्वल टू आई इन टू जेड होता है, और आपको ये भी क्लियर है जो आपके पास वाई होता है एडमिटेंस, दैट इज इक्वल टू वन वाई जेड होता है कि नहीं, क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या हम ये ऐसे बोल सकते हैं, अगर मुझे जेड पैरामीटर गिवन हो, अगर मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, वन वाई जेड कर दूं, क्या मेरे पास वो वाई पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज़ हम देखना चाहते हैं, क्लियर। तो देखिए भाई, ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, इसको देख लेते हैं। अगर मैं Z पैरामीटर की बात करूं, अगर मैं Z11 की बात करूं, Z11 की वैल्यू क्या आई थी, पीछे देख लेना भाई, V1 डिवाइड बाय I1, जब I2 मेरे पास क्या था, जीरो। सिमिलरली अगर मैं Y11 की वैल्यू निकालूं, ये मेरे पास क्या आई थी, I1 डिवाइड बाय V1, जब V2 मेरे पास क्या है, जीरो है, क्लियर। अगर मैं इसी को आगे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो Y11 इक्वल टू वन डिवाइड बाय, इस I1 को अगर मैं नीचे ले हूं, तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, जल्दी से बताओ, V2 जब मेरे पास क्या है, जीरो। अब देखिए Z11 किया है, V1 डिवाइड बाय I1, V1 डिवाइड बाय I1, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब मेरा पोर्ट टू क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, लेकिन यहाँ पे क्या आया था, जब पोर्ट टू मेरा क्या होगा, ओपन सर्किट। इसका मतलब Y11 नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाय Z11, क्लियर। अब आगे देखिए, अगर मैं सेकंड पैरामीटर की बात करूँ, Z12 की बात करूँ, Z12 की वैल्यू पीछे देखो भाई, V1 डिवाइड बाय I2, जब I1 मेरा जीरो था। ऐसे ही अगर मैं Y12 की बात करूं, ये मेरे पास आया था I1 डिवाइड बाय B2, कब, जब B1 मेरे पास है जीरो। अब Y12 इक्वल टू, हाँ जी, इसको मैं नीचे लिख दूं, B2 डिवाइड बाय I1, कब, B1 मेरा क्या है, जीरो। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो मेरे पास Z12 है, यहाँ पे वोल्टेज B2 है, इसका मतलब Z21 निकालते हैं, Z21 दैट इज इक्वल टू B2 डिवाइड बाय I1, कब, I2 टू बिकम जीरो, क्लियर। इसका मतलब B2 टू डिवाइड बाय I1 है, क्लियर। इसका मतलब Y11 वन नॉट इक्वल टू वन डिवाइड बाय Z21,
करेक्ट हुई इतनी बात ना, तो जेड वन टू के इक्वल आ रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या था बी टू बटा आई वन, इस पर क्या था वी वन आई टू, लेकिन यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे क्या है शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब ये हुआ, अगर सिंपल अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास इंपीडेंस मान लीजिए 2 ओम गिवन है, तो एडमिटेंस हमें पता है 1/2 ओम मो हो जाता है। क्लियर है भाई पॉइंट, ये तो क्लियर है सबको। लेकिन अगर मैं जेड और वाई पैरामीटर की बात करूँ, उस केस में ये रेसिप्रोकल की जो कंडीशन है वो वैलिड नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे और मैट्रिक्स फॉर्म में आप देखना ये दोनों सेम आ जाएंगे। क्लियर है भाई पॉइंट। तो यहां से मेरे एक ही कंसेप्ट बताने का था कि आप रेसिप्रोकल करके आप बाई पैरामीटर नहीं निकाल सकते इन केस ऑफ पैरामीटर। करेक्ट हुई इतनी बात। अब इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई। क्लियर, और आपको पता है आपके इन केस ऑफ वाई पैरामीटर आई किसके आया था भाई, वाई इंटू वी। क्लियर है पॉइंट, सॉरी यहाँ पे जेड आई था, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हो जाएगा जेड और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। करेक्ट हुई इतनी बात। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इस I1 को मैंने कैंसिल करना है तो मैं इसको राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा। मैट्रिक्स पे ये नहीं है कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एक के राइट हैंड साइड पे कर दो। क्लियर, तो आप मैट्रिक्स वाला मैथमेटिक्स में आप देखोगे उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैं राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा आई इनवर्स के साथ। क्लियर, आई इनवर्स के साथ और आई जे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब जेड की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जे आ जाएगी वी इंटू आई इनवर्स। करेक्ट हुई इतनी बात। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखूँ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो जेड उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, जेड इनवर्स, फिर हम कंपेयर करके वहाँ से ईजिली निकाल लेंगे। क्लियर, इसका मतलब जेड इनवर्स को हम इसको ख़त्म करना है ना, ये मेरे किस साइड है, आई के लेफ्ट साइड है, इसका मतलब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, इसका मतलब जेड इनवर्स वी दैट इज इक्वल टू आई। क्लियर, अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो मेरे पास ये वी वी है, आई आई है, वाई इसके इक्वल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू जो वाई पैरामीटर होंगे दैट इज इक्वल टू जेड इनवर्स, और जो जेड पैरामीटर होंगे दैट इज सिंपली वाई इनवर्स। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है भाई पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ जो आपके डायरेक्टली आए थे ना वाई वन वन दैट इज नॉट इक्वल टू वन डिवाइड बाई जेड वन वन, वाई वन टू नॉट इक्वल टू वन डिवाइड बाई जेड वन टू। क्लियर, लेकिन इन मैट्रिक्स फॉर्म ये चीज़ आपकी वैलिड रहेगी। क्लियर है भाई पॉइंट। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, हम मैथमेटिक्स के आपके जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसमें हम इजिली देखेंगे। क्लियर है भाई पॉइंट। तो इस लेक्चर में हमने दो ही चीज़ें बताई, फॉर जेड पैरामीटर आपने वी वन वी टू कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ आई वन एंड आई टू, और इन केस ऑफ वाई पैरामीटर आपने आई वन आई टू निकालना है इन टर्म ऑफ बी वन एंड बी टू। करेक्ट हुई इतनी बात। दूसरा हमने ये चीज़ बताया कि जो जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर में जो रिलेशन होता है वो आपका रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्लियर अभी पॉइंट, क्योंकि एक को हम ओपन करते हैं दूसरे को शॉर्ट करते हैं तो वो वैल्यू मैच नहीं करेगी। क्लियर है जी पॉइंट। तो उस केस में आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आपका जो रिलेशन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई पैरामीटर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ जेड और जेड पैरामीटर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वाई। ये चीज़ हमें हमारी तब यूज़ होती है जब मुझे एक पैरामीटर गिवन होता है और दूसरा मुझे निकालना होता है। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम एच और जी पैरामीटर देखेंगे। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।